नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। पूर्वी चंपारण जिला के अरे राज में रहने वाले पूर्व मंत्री योगेंद्र पांडे की हृदय गति रुकने से बुधवार को मौत हो गई थी। योगेंद्र पांडे की मौत की खबर मिलने के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पूर्व विधायक के अंतिम संस्कार के समय गार्ड ऑफ ऑनर देने को लेकर जिला प्रशासन की उदासीनता को देखकर स्थानीय विधायक सुनील मणि तिवारी ने पहल की और सरकार के स्तर पर बात करके गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था कराई गई, लेकिन बिहार पुलिस के अंग्रेजों के जमाने के 303 का राइफल गार्ड ऑफ ऑनर के समय ही जवाब देगा, जिसका वीडियो बना रहे वहां मौजूदा लोगों ने वायरल कर दिया। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री योगेंद्र पांडे का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रखा हुआ था। वहीं गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए फुल ड्रेस में पुलिस के जवान अंतिम संस्कार वाले स्थान पर पहुंचे थे। लाइन में सभी जवान 303 का राइफल लिए खड़े थे। उनकी अगुवाई कर रहे जवान ने सभी से सावधान विश्राम कराने को लेकर जवानों को कंधे शस्त्र का आदेश दिया। फिर अंतिम सलामी का आदेश देते ही जवानों ने कंधे पर रखे राइफल से फायर करना शुरू कर दिया। वहीं ठाए ठाए की आवाज़ आने लगी, लेकिन इस दौरान बेचारा एक जवान परेशान दिख रहा था। बार बार राइफल का बोल्ट चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोल्ट फंसता जा रहा था। काफ़ी प्रयास के बाद एक बार बोल्ट चढ़ गया, फिर ट्रिगर दबाते ही गोली फूस हो गई, जिसका वीडियो वहां काफ़ी संख्या में मौजूदा लोग बना रहे थे। उसी समय किसी ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तिरहुत लाइव संवाददाता राहुल गिरी की रिपोर्ट। बने रहिए तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क के साथ। कल माननीय पूर्व मंत्री योगेंद्र बाबू के सम्मान में जो पुलिस ने हथियार चलाया, सलामी देने का जो काम किया, वहीं से बार बार किच होते जा रहा है। और ये लगातार घटनाएं बिहार में देखा जा रहा है कि जितने भी हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व माननीय सांसद लोगों के सम्मान में जो ये सलामी दिया जाता है, उसमें कहीं हथियार यूज नहीं हो पाता है। लगता है कि बिहार सरकार के जितने भी सारे हथियार हैं, किसी का मेंटेनेंस टाइम पे नहीं होता है और सभी में जंग लगा हुआ है। तो पहला कार्य तो बिहार सरकार ये करे कि इसका उच्च स्तरीय जांच करके जितने भी हथियार हैं, जितने भी आर्म्स हैं, सबका सुचारू ढंग से रख रखाव होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बिहार में अपराधियों का जो हथियार है वो टारगेट करके जा रहा है और उसका हथियार कहीं पीच नहीं हो पा रहा है। इस तरह की कई घटना पुलिस नहीं पकड़ पाई कि अपराधी हथियार चलाने जा रहे थे जिसमें पकड़े गए। तो ये बिहार सरकार की विफलता का कारण स्पष्ट दिखता है। जी बताया, हम लोग यहाँ हमारे जिला के और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय योगेंद्र पांडे जी की लंबे समय से तबीयत खराब होने के कारण उनकी देहांत हो गई। उनकी देहांत में उनकी जब अंतिम दाह संस्कार की जा रही थी उस समय प्रशासन के द्वारा जिस हथियार से सलामी दी जा रही थी, जिस राइफल से सलामी दी जा रही थी वह राइफल मैंने काम ही नहीं कर रहा था। बराबर देखिएगा उस वीडियो में कि पुलिस के द्वारा ऐसे ऐसे उसको हिलाया जा रहा है। तो आप बताइए कि इस हथियार के बदौलत माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरे बिहार को सुरक्षित रखेंगे और रोज कहीं ना कहीं हत्या, लूट, अपहरण, मर्डर हो रहा है। अपराधी का हथियार चमक रहा है और प्रशासन का हथियार माने समझिए कि बेकामिल पड़ा हुआ है। और इसके बदौलत बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे बिहार को चलाएंगे कि सलामी देने में मंत्री के समय, उसमें भी सलामी के समय स्पॉट पुलिस पदाधिकारी को निकाल के मेजर के द्वारा भेजा जाता है, उस परिस्थिति में हथियार फंस जाना यह दुर्भाग्य है। इस पर बिहार के लोग भी देखेगा, सोचेगा और माननीय मुख्यमंत्री यह जवाब दे कि इस हथियार की बदौलत इस बिहार में इस बढ़ते अपराध को कैसे रोकेंगे।